बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म सिमरन सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिमरन कौन है? असल में ये फिल्म अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की संदीप कौर पर बनी है, जो वहाँ की जेल में अपनी सजा काट रही है। संदीप अमेरिका में बॉम्बे शेल बैंडेड और गैम्बलिंग क्वीन के नाम से मशहूर है। संदीप कौर का जन्म 11 नवंबर को चंडीगढ़ में हुआ था। जब वो 7 साल की थी तभी उसका पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। वो बचपन से नर्स बनना चाहती थी। 19 साल की उम्र में संदीप के पास नर्सिंग का लाइसेंस आ गया था और 20 साल की उम्र में उसने नर्सिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद संदीप ने 2008 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी। तब संदीप ने मार्केट से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। संदीप अपने 21वें जन्मदिन का जश्न मनाने अपने भाई के साथ लास वेगास पहुंची, जहां एक कैसीनो में संदीप ने पहली बाजी में 2.5 लाख रुपए जीते, जिसके बाद उसे जुए की लत लग गई और वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गई। जुए के कारण संदीप पर 38 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज देने वालों ने संदीप को परेशान करना शुरू कर दिया। इनसे बचने के लिए वो कैलिफोर्निया आ गई। पैसे चुकाने के लिए उसने फिर से नर्स की नौकरी करनी शुरू कर दी और हफ्ते में 96 घंटे वो काम करने लगी। सितंबर 2013 में संदीप ने अपनी पसंद के एक लड़के से शादी की, जो हर हफ्ते उसे खर्च के लिए 64,000 रुपए देता था। संदीप ने अपने अतीत से कोई सीख नहीं ली और ये पैसे भी जुए में उड़ा दिए। ये शादी एक साल भी नहीं टिक पाई। जिन लोगों ने संदीप से कर्ज लिया था उन्होंने उसे ढूंढ निकाला और जल्द से जल्द पैसे चुकाने को कहा, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद संदीप ने अपनी पहली चोरी की। संदीप ने एक के बाद एक कई चोरियां की। इन चोरियों पर लगाम तब लगी जब संदीप सेंट जॉर्ज का US बैंक लूट रही थी। अपने इन्हीं कारनामों के चलते वो बॉम्ब शेल बैंडिट के नाम से मशहूर हो गए। सिमरन की असली क्वीन को जानने के बाद आप जब सिल्वर स्क्रीन पर कंगना की सिमरन देखकर लौटें तो हमें बताना मत भूलिएगा। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।